वेलकम टू एजेंट प्राइवेट लिमिटेड। आज की इस क्लास में हम डेटा की पीएलसी को प्रोग्राम करना सीखेंगे। तो आज की क्लास में बेसिकली पांच इंस्ट्रक्शंस रहेंगे जो कि लैटिन लैंग्वेज के बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं। पहला एनो कॉन्टैक्ट, दूसरा एनसी कॉन्टैक्ट, तीसरा डायरेक्ट कॉइल और चौथा शट कॉइल, पांचवा रिस्टार्ट कॉइल। तो ये पांच इंस्ट्रक्शन को आज ब्रीफ करेंगे और कुछ एग्जांपल लेकर के समझेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर प्रोग्राम बनाएंगे। प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे प्रोग्राम्स के अंदर और यहाँ पर हम न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर कोई नाम दे देंगे प्रोग्राम का, जैसे प्रोग्राम जीरो है, किसी नाम से इसको बना लेंगे और लैटिन लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ओके कर देंगे। तो यहाँ पर ये एक फाइल क्रिएट हो गई है। अब इस प्रोग्राम फाइल के अंदर हम प्रोग्रामिंग करना सीखेंगे। तो आज की क्लास में बेसिकली हम पांच इंस्ट्रक्शन को ही यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन लेंगे एनो कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट कैसे लेंगे, यहाँ से जैसे कि ये देख पा रहे हैं ये कॉन्टैक्ट लिखा है, ये एनो कॉन्टैक्ट है, इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे और यहाँ ले जाएंगे तो ये कॉन्टैक्ट आ गया। अब इसके अंदर वेरिएबल डिफाइन करना होता है, तो इसके अंदर इनपुट एक्स से स्टार्ट होते हैं और आउटपुट बाई से स्टार्ट होते हैं। तो मान लीजिए मैंने कोई एक वेरिएबल ले लिया x0 यहाँ लिख देंगे तो ये x0 आ गया। और उसके बाद एक और कॉन्टैक्ट लेंगे और यहाँ पर रख देंगे और इसके अंदर नेक्स्ट चैनल का एड्रेस दे देंगे x1। दो एनो कॉन्टैक्ट हो गए। अब एक कॉइल लेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर एड्रेस देंगे y0। तो यहाँ पर दो एनो कॉन्टैक्ट है और एक डायरेक्ट कॉइल है। तो यहाँ पर एक तरह से दो इंस्ट्रक्शन कवर हो गए, एक एनो कॉन्टैक्ट और दूसरा डायरेक्ट कॉइल। इन दो इंस्ट्रक्शन को समझ लेते हैं कि एनो कॉन्टैक्ट और डायरेक्ट कॉइल कैसे वर्क करेंगे। यहाँ पर हमने दो एनो कॉन्टैक्ट एक साथ लगा दिए, यानी कि सीरीज में लगा दिए। नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट कैसे काम करता है कि जब हम इसके वेरिएबल की वैल्यू को ट्रू कर देंगे, यानी कि फील्ड से जब इसको वोल्टेज मिल जाएगा तो इसकी वेरिएबल की वैल्यू 1 हो जाएगी और जब वेरिएबल की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये एनो कॉन्टैक्ट पाथ को क्लोज करेगा। ये इसे कहते हैं नॉर्मली ओपन, जब हम इसको वोल्टेज दे देंगे तो ये क्लोज हो जाएगा, यानी कि जब 24 वोल्ट इसके चैनल पर आएगा तो इसके x0 की वैल्यू 1 हो जाएगी और जब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये पाथ क्लोज हो जाएगा। तो जैसे हम इसकी वैल्यू को ट्रू करेंगे, यानी कि x0 की वैल्यू को ट्रू करेंगे और x1 की वैल्यू को ट्रू करेंगे तो ये कॉइल यहाँ पर ऑन हो जाएगी, यानी कि y0 ऑन हो जाएगा। कंपाइल करेंगे, कंपाइल के अंदर यहाँ देख पा रहे हैं कोई भी एरर नहीं है, जीरो एरर, जीरो वार्निंग। अब इसको एक बार डाउनलोड कर देते हैं, डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, ट्रांसफर पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे तो ये प्रोग्राम हमारा पीएलसी के अंदर डाउनलोड हो गया है। अब इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करने के लिए हम ऑनलाइन मोड में जाएंगे। अभी ये ऑनलाइन हो गया है, अब हम इसको चेक करेंगे। पहले इस कॉन्टैक्ट को ऑन करेंगे और फिर इसको ऑन करेंगे। जब दोनों ट्रू हो जाएंगे, x0 भी ट्रू हो जाएगा और x1 भी ट्रू हो जाएगा तो ये y0 ऑन होना चाहिए। ये हमारा x0 है, ये x1 है। तो पहले हम इसको प्रेस करते हैं, आप देख पाएंगे लॉजिक के अंदर ये पाथ क्लोज हो गया है, लेकिन अभी x1 के पास रुक गया, x0 से पास हो गया। अभी इसको भी प्रेस करेंगे तो जैसे ही प्रेस किया तो आप देख पा रहे हैं ये लैंप यहाँ पर ऑन हो गया है। दोनों प्रेस करेंगे तो ही ऑन होगा, एक प्रेस करेंगे तो ऑन नहीं होगा। इनमें से दोनों में से कोई सा एक प्रेस करेंगे, आप लॉजिक में देख पाएंगे, एक प्रेस कर रहा हूँ, x0 प्रेस कर रहा हूँ तो ऑन नहीं है, x1 प्रेस कर रहा हूँ तो भी ऑन नहीं है, और अगर दोनों प्रेस कर देते हैं तब ये ऑन हो जाता है। इसे हम एंड गेट बोलते हैं। अब इसको एक बार और गेट की तरह सीखते हैं। और गेट के लिए कैसे करना पड़ेगा, ऑफलाइन में आएंगे और यहाँ पर हम इसको तो डिलीट कर देंगे यहाँ से, और यहाँ से एक कॉन्टेक्ट लेंगे और इसके पैरेलल में यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पर इसका नाम दे देंगे x1। अब हमने पैरेलल में लगा दिया तो ये और गेट की तरह काम करेगा। अब इसको एक बार डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद ऑनलाइन आएंगे। ऑनलाइन होने के बाद अब हम चेक करेंगे इसको कि ये कैसे काम करता है। जैसे हम इसको प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, दूसरे को प्रेस करेंगे तब भी ये ऑन हो जाएगा, यानी कि कोई सा भी एक ट्रू हो जाएगा तो ये ऑन हो जाएगा। तो ये और गेट की तरह काम कर रहा है। तो ये थे दो गेट, एंड गेट और गेट। एनो को हमने समझ लिया दो एग्जांपल लेकर के, अब एनसी को समझते हैं। इसके लिए पहले हम ऑफलाइन आएंगे, उसके बाद इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे और यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट, यहाँ पर एनसी कॉन्टैक्ट लेंगे। एनसी कॉन्टैक्ट लेने के लिए हम इसी पर डबल क्लिक करेंगे और नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट पर सिलेक्ट करेंगे और इसका एड्रेस हम x1 दे देंगे।
अब ये एनओ है, ये एनसी है। एनओ कैसे काम कर रहा है, जब इसके वेरिएबल जो इस पर डिफाइंड है वेरिएबल, उसकी वैल्यू अगर ट्रू होगी तो ये पाथ क्लोज करेगा। और एनसी कैसे काम करे, एनसी उसके उल्टा काम करे, यानी कि एनसी पर जो वेरिएबल डिफाइंड हुआ है उसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी तो ये पाथ को डिस्कनेक्ट करेगा, ये कनेक्ट करेगा, ये डिस्कनेक्ट करेगा। तो अभी के केस में हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार। जब हम यहाँ से अभी ये वाला पाथ क्लोज है, यानी कि एक्स वन हमको क्लोज है, अगर हम एक्स जीरो को प्रेस कर देंगे तो ये ऑन हो जाएगा। इसको एक बार हम डाउनलोड कर लेते हैं, ऑनलाइन जाएंगे। अभी आप देख पा रहे हैं ये पाथ कनेक्ट है, यानी कि यहाँ से तो करंट फ्लो हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक है। जब हम इसकी वैल्यू ट्रू कर देंगे, एक्स जीरो की वैल्यू ट्रू करेंगे तो ये आउटपुट वाई जीरो ऑन हो जाएगा। मैं एक्स जीरो को प्रेस करता हूँ, जैसे मैंने प्रेस किया आप देख पा रहे हैं हमारा आउटपुट ये वाला ऑन हो जा रहा है, जैसे प्रेस किया ऑन हो गया। अगर हम दोनों प्रेस कर देंगे तब क्या होगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और दोनों सीरीज में लगे हैं तो ये बंद रहेगा, जैसे दोनों प्रेस कर देंगे तो ये ऑन नहीं होगा। X0 वेरिएबल हमारा NO कॉन्टेक्ट पर असाइंड है, तो X0 को हम अगर ट्रू करेंगे तो हमारा लैंप ऑन हो जाएगा। और जो X1 है, X1 हमारा NC के साथ कनेक्ट है, इसको ट्रू कर देंगे तो ये पाथ को डिस्कनेक्ट कर देगा। यानी कि अगर हम दोनों को ट्रू करेंगे तो ये तो पाथ कनेक्ट कर देगा, ये तो पाथ यहां से कनेक्ट करेगा, लेकिन अगर हम इसको प्रेस कर देंगे तो एक जगह से पाथ डिस्कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि लैंप बंद हो जाएगा। अभी के केस में अगर X0 को प्रेस करेंगे तो ऑन हो जाएगा, छोड़ देंगे तो बंद हो जाएगा। अब हम अगर ऐसा करना चाहते हैं कि एक बार X0 को प्रेस कर दिया तो ये ऑन हो जाए, और अगर फिर जब X1 को प्रेस करें तब जाके बंद हो, तो ऐसे कंडीशन को हम कैसे लिख सकते हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक बार हम इसको ऑफलाइन आएंगे, यहां पर हम एक पैरेलल में ब्रांच लेंगे और एनो कॉन्टेक्ट लेंगे, यानी कि यहां पर हम एक एनो कॉन्टेक्ट लगा देंगे, उसके बाद वाई जीरो से इसको होल्ड करा देंगे। यानी कि अब क्या होगा, एक बार एक्स जीरो की वैल्यू यहां से कनेक्ट हो जाएगी फिर ये ऑन हो जाएगा, तो यहां से ये ऑन ही बना रहेगा अंटिल अनलेस हम एक्स वन की वैल्यू को ट्रू नहीं करते हैं, यानी कि एक्स वन वाली पुश बटन को प्रेस नहीं करते। तो एक बार इसको डाउनलोड कर लेते हैं, अब यहां पर इसको चेक कर लेते हैं। इसके केस में क्या होगा, एक बार हम एक्स जीरो की वैल्यू अगर ट्रू कर देंगे तो ये ऑन हो जाएगा और ऑन ही रहेगा, एक बार हमने प्रेस किया तो ये ऑन हो गया। अब क्या हुआ, जो एनो कॉन्टेक्ट है ऊपर से हमारा रिलीज हो गया, लेकिन नीचे से जो ब्रांच लगी हुई है आउटपुट से ही वो लैच हो गया। अब ये ऑफ कब होगा, जब हमारा एक्स वन की वैल्यू ट्रू करेंगे, एक बार हम एक्स वन की वैल्यू ट्रू करते हैं तो यहां से ब्रेक हो गया, तो एक बार ब्रेक होने के बाद ये आउटपुट बंद रहेगा, और जब फिर से एक्स जीरो की वैल्यू को ट्रू करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से ये ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये होगी होल्डिंग। अभी तक हमारे तीन इंस्ट्रक्शन यहां पर कंप्लीट हो गए, एनो कॉन्टेक्ट, एनसी कॉन्टेक्ट जो कि इनपुट सेक्शन के इंस्ट्रक्शन हैं, और एक आउटपुट कॉइल। अब हम दो और सीख लेते हैं, आउटपुट के ही इंस्ट्रक्शन है, सेट कॉइल और रिसेट कॉइल, वो कैसे काम करते हैं। तो इसके लिए एक बार ऑफलाइन आएंगे, यहां से इसको डिलीट कर देंगे, इसको भी डिलीट कर देंगे। अभी ये सिंपल हो गया, यहां से इसको एक बार प्रेस करेंगे तो ये बाई जीरो को ऑन करे, और अगर रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे तो ये ऑफ है। ये हमारा डायरेक्ट कॉइल के हिसाब से है, अगर हम इसको एक बार प्रेस कर दें एक्स जीरो को तो ये सेट हो जाना चाहिए। तो सेट हो जाने के लिए क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे और इसको सेट वाला ले लेंगे, यानी कि एस वाला कॉइल ले लेंगे, और एक बार जैसे ही एक्स जीरो को प्रेस करेंगे तो ये सेट हो जाएगा, और जब सेट हो जाएगा तो इसको रिसेट कराना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉप कैसे करेंगे। इसके लिए हम एक दूसरा नेटवर्क ले लेते हैं, दूसरा नेटवर्क लेने के लिए यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दूसरा नेटवर्क आ जाए। तो दूसरे नेटवर्क में भी हम एनो कॉन्टेक्ट ही लेंगे, यहाँ से एनो कॉन्टेक्ट लेंगे और इसके अंदर हम एक्स वन डाल देंगे। एक्स वन डालने के बाद यहाँ पर एक कॉइल लेंगे और यहाँ पर हम रिसेट कॉइल लेंगे, और यहाँ पर सेम एड्रेस देंगे जिसको हमने सेट किया है, उसी एड्रेस को हम रिसेट करा रहे हैं। तो ये सिंपली एक बार प्रेस करने से एक्स जीरो को ये ऑन हो जाएगा, और एक्स वन को प्रेस करेंगे तब ये जीरो होगा। ये काम क्या कर रहा है, एक्स जीरो को जब हम प्रेस करेंगे तो ये वाई जीरो की वैल्यू को ट्रू कर देगा और ट्रू ही रहेगी, और जब हम एक्स वन को ट्रू करेंगे तब ये वाई जीरो की वैल्यू को जीरो करेगा। तो इसको देख लेते हैं, एक बार इसको डाउनलोड करेंगे, ऑनलाइन जाएंगे। अब इसको चेक कर लेते हैं, जैसे ही हम x0 को ट्रू करेंगे तो ये लैंप ऑन हो जाएगा, और जैसे ही हम x1 को ट्रू करेंगे तो ये लैंप बंद हो जाएगा। तो पहले हम x0 को प्रेस करते हैं, एक बार प्रेस किया तो ये हमारा लैंप ऑन हो गया है।
और ऑन ही रहेगा। अब इसको कुछ भी करते रहो, ये तो ऑन हो गया तो ऑन ही रहेगा। अब बंद कब होगा? जब एक्स वन की वैल्यू हम ट्रू करेंगे, एक बार हम इसको प्रेस कर देंगे तो ये जीरो हो जाएगा। यानी कि जब हम एक्स जीरो की वैल्यू को प्रेस कर रहे हैं तो वाई जीरो की लैंप को ये ऑन कर देगा, और जब एक्स वन को हम ट्रू करेंगे तब ये बंद होगा। तो एक बार एक्स वन को प्रेस करेंगे तो ये बंद होगी। तो इस तरह से हमने आज की क्लास में एनो कॉन्टैक्ट, एनसी कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉइल, सेट कॉइल और रिसेट कॉइल को डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम टाइमर को डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सके। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।